हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में कुछ सेंटेंस सीखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव हैज का इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने बोर्ड पर लिखा है, हैव हैज का इस्तेमाल होता है। प्लूरल के लिए हैव का इस्तेमाल होता है और सिंगुलर के लिए हैज का इस्तेमाल होता है। जैसे आई हैव गिवन बुक। गिव का गिवन हो जाएगा, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है। I have given book. मैंने book दे दिया है। She has taken breakfast. She, ये singular है, इसीलिए has का इस्तेमाल होगा। She has taken breakfast. उसने नाश्ता कर लिया है। They have informed me. इन्होंने मुझे बताया है। इस तरह से आप कह सकते हैं। I have called Suhail. मैंने सुहेल को कॉल कर दिया है। आई हैव प्रैक्टिस्ड, मैंने प्रैक्टिस की है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको नॉट का इस्तेमाल करना है। आई हैव नॉट प्रैक्टिस्ड, मैंने प्रैक्टिस नहीं की है। सी हैज नॉट मेड फूड, मेक का थर्ड फॉर्म है मेड। सी हैज नॉट मेड फूड, उसने खाना नहीं बनाया है। समीर हैज नॉट कॉल्ड मी, समीर ने मुझे फोन नहीं किया है। दे हैव नॉट कम येट, वो अभी तक नहीं आए हैं। सेंटेंस क्वेश्चन सेंटेंस बनाने के लिए आपको पहले हैव हैज का इस्तेमाल करना है। जैसे हैव यू विजिट आगरा, क्या आप कभी आगरा गए हैं। हैव यू कॉल्ड हिम, आपने कॉल कर दिया है। हैज सी मेड फूड, क्या उसने खाना बना दिया है। Has sir taught English? क्या सर ने इंग्लिश पढ़ाया है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको नॉट का इस्तेमाल करना होगा। Has she not made food? क्या उसने खाना अभी तक नहीं बनाया है। Have they not come yet? क्या अभी तक वो नहीं आए हैं। Have you not called him? क्या आपने उसको कॉल नहीं किया है। WH question बनाने के लिए आपको WH जैसे what है, when है, why है, where है। Where have you learned? आप कहाँ सीखे हैं। Why has he come late? वो क्यों लेट आई है। What have you bought? आपने क्या खरीदा है। What has sir taught? What हैज सर टॉट, सर ने क्या पढ़ाया है। तो दोस्तों, आपने सीखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर किस तरह से सेंटेंस आप बना सकते हैं। अगली वीडियो के अंदर हम पास्ट सिंपल पास्ट टेंस के बारे में सीखेंगे। ऐसे ही मैं रोज़ाना वीडियो बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की जो बेल है उसको प्रेस कर लें, ताकि मेरी सभी वीडियो आप तक वक्त के ऊपर पहुँच सकें। Goodbye.